दोस्तों, हीलियम हॉटस्पॉट उत्तराखंड में लग चुके हैं, कहां लगे हैं और वो कितनी अर्निंग कर रहे हैं, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में पिछले वीडियो में जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों का उत्तर भी इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में क्या क्या प्रश्न आए थे, पहला प्रश्न ये कि क्रिप्टो में 30% टैक्स है, क्या इस समय माइनिंग में आना ठीक रहेगा। दूसरा प्रश्न, इस डिवाइस को लगाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। और तीसरा, इसी के साथ ये कितनी पावर कंजप्शन करता है। और अगला प्रश्न है, कमाई कितनी होती है, कितना हम इस हॉटस्पॉट को लगा के कमा सकते हैं। चौथा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंटीना कौन सा चुने, इंडोर लगाएं, आउटडोर लगाएं, या एंटीना हमको कौन सा सेलेक्ट करना है। और अंत में कहां से खरीदें, ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। और अंत में मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा जिससे आप 500 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिलहाल 500 रुपये का डिस्काउंट इस कूपन कोड को यूज़ करने पे आपको मिलेगा। क्रिप्टो पे 30% टैक्स लग गया है तो क्या इस समय माइनिंग में आना ठीक रहेगा। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। पहली चीज़, 30% टैक्स जो है वो लंबे समय तक हमारे हिसाब से सस्टेन करने नहीं जा रहा है। रीजन, 30% टैक्स होता है आपके लॉटरी, गेम शो, इन सब में जीते हुए पैसों पे। और अभी तक क्रिप्टो बिल भी नहीं आया है, और ये लॉटरी गेम शो में लक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जैसे ही क्रिप्टो बिल आएगा, उस पर क्रिप्टो की डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ क्लियर होगा, तो उसके बाद ही पोजिशन क्लियर हो जाएगी कि क्या कितना इस पर टैक्स लगने वाला है। टैक्सेस रिवाइज होते रहते हैं, कुछ समय के लिए तो इंडिया में क्रिप्टो बैन भी हो चुका है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू में माइनिंग के रिवॉर्ड ज़्यादा होते हैं और धीरे धीरे समय के साथ ये रिवॉर्ड कम होते रहते हैं। यूरोप, यूएसए में तो ये डिवाइसेस काफ़ी लग चुकी हैं, इंडिया में अभी आनी शुरू हुई हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट टाइम है माइनिंग, हीलियम माइनिंग में एंट्री करने का। दूसरा, हीलियम माइनिंग मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से सबसे सस्ता माइनिंग आप इसी मीडियम से कर सकते हैं। 50,000, 60,000, 70,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप अपनी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये कि हीलियम हॉटस्पॉट लगाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और ये कितनी पावर कंजप्शन करता है। रिक्वायरमेंट केवल एक ही है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, लेकिन इंटरनेट में आपको पोर्ट फॉरवर्ड करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए जो पोर्ट फॉरवर्ड कर सकता हो। और दूसरा, पावर कितना कंजप्शन लेता है, जितना एक एलईडी बल्ब लेता है 5 वाट 10 वाट पावर कंजप्शन पे ये डिवाइसेस चल जाती हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कहाँ लगा है और इससे कमाई कितनी होगी। इसके लिए एक वेबसाइट पे चलते हैं, explore.helium.com पे। ये explore.helium.com पे ये वेबसाइट है, डाटा लोड हो रहा है। ये वर्ल्ड का मैप, ये जो ग्लो कर रहे हैं, ये हीलियम हॉटस्पॉट लग चुके हैं, ये यूएसए, यूरोप और ये आ गया अपना इंडिया। इंडिया को जूम करें, जूम जूम जूम, और इंडिया को जूम करें और ये उत्तराखंड में हल्द्वानी में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइसेस लग चुके हैं। इस डिवाइस का देखते हैं, ये लोड हो रहा है, अब ये सिंक हो रहा है। 24 आवर में इसने $2.56 अर्न किए हैं। टोटल विटनेस 2 हैं। ये डिवाइस है आपकी क्लाउड पाई की, 3 dBi का एंटीना है और 21 मीटर हाइट पे ये डिवाइस का एंटीना लगा है। और ये 14 डेज में $17 ये अर्न कर चुका है। अब ये श्रिंक हो रहा है। नेक्स्ट, इस डिवाइस को देखते हैं। अब इस पे क्लिक किया, ये भी क्लाउड पाई की डिवाइस है और ये श्रिंक हो चुकी है। 24 आवर में 2.51 इसकी अर्निंग है और ये विटनेस 4 डिवाइसेस को कर रहा है। और 14 डेज में
$21 इसने 21.89 अर्न कर लिया। 3 dBi का एंटीना और इसके हाइट 16 मीटर पर यह एंटीना लगा हुआ है। ठीक, एक और देखते हैं, ये हल्द्वानी में ही, और ये क्लिक किया, गुड, ये भी 3 dBi का एंटीना है, 21 मीटर हाइट है और 24 आवर में $1.54 और 7 डेज में इसने $10 अर्न किए हैं। और ये टोटल जो है 3 डिवाइसेस को विटनेस कर रहा है। अब देखते हैं कि इन डिवाइसेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ये क्लिक किया और ये लास्ट में यहां तक की 5.1 किलोमीटर तक ये विटनेस हो रहा है। ठीक, अब इससे और इसके बीच की डिस्टेंस देखते हैं, ये है 2.7 किलोमीटर। तो ये हल्द्वानी में है, चलिए कहीं और भी देखते हैं कि कितनी अर्निंग हो रही है। दिल्ली में अच्छा लगा हुआ है हॉट्स हीलियम का नेटवर्क, कोई नेटवर्क चुन लेते हैं, कोई हैक्स इस पे गए और इस हैक्स को चुनते हैं, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया और ये श्रिंक हो चुका है। 10 मीटर हाइट, 3 क्लाउड पाई का है, 3 dBi का एंटीना, 14 डेज में इसने 8.94 अर्न किया है। एक्चुअल में ये 7 डेज में होगा, ये कुछ नया लग रहा है, और विटनेस इसको 4 मिले हैं। अब दूसरा देखते हैं, ये 4 है यहां पर, जहां पर ये, चलिए इसको देखते हैं, ये क्लिक किया, अब इसमें भी 3.3 dBi का एंटीना और 14 डेज में इसकी अर्न, ये भी नया लग रहा है, 7 डेज, 30 डेज में भी इतना ही होगा, 4.29, 7 डेज ये नया है, 2 विटनेस इसके हो रहे हैं, 15 मीटर हाइट। अब ये देखते हैं, गुड, ये है इसकी पावर, 30 डेज में, 14 डेज में 41, अभी इसको भी 14 डेज ही हुए हैं, एंटीना 5.8 dBi का लगा और हाइट जो है इसकी 25 मीटर है। और टोटल विटनेस आप देख लीजिए ये। अब चलिए चलते हैं गाजियाबाद, ये गाजियाबाद का है, ये क्लिक किया, 6 dBi का एंटीना, 20 मीटर हाइट, 24 आवर में $7 की अर्निंग, 14 डेज में 99, 30 डेज में $129 की ये अर्निंग कर रहा है। अब इसकी डिस्टेंस देखते हैं कि ये कितनी डिस्टेंस तक अपने विटनेस कर रहा है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड लोकेशन और ये 36 किलोमीटर तक ये डिवाइस विटनेस हो रही है। एंटीना 6 dBi, हाइट 20 मीटर। अब बात करते हैं कि एंटीना को सेलेक्ट कैसे करना है। ये एंटीना के साइड व्यू हैं, ओमी डायरेक्शन एंटीना के लिए। ये 3 dBi का, 5.8, 8 dBi और ये 9 dBi का। 3 dBi के एंटीना कम डिस्टेंस तक कवर करेगा, लेकिन उसका ये रेडियस इस तरह का होगा, और 5.8 35 डिग्री, 27 डिग्री और 25 डिग्री। 9 dBi का एंटीना डिस्टेंस तो ज्यादा कवर करेगा, लेकिन वो इस तरह से चलेगा। अब मान लेते हैं कि आप यहां पर हैं और आपने 9 dBi का एंटीना लगाया, क्योंकि इसके सिग्नल इस तरह से जा रहे हैं, ये केवल एक ही इसको विटनेस मिलेगा। अगर आप हाइट पे हैं तो आपको क्या लगाना है, 2 dBi या 3 dBi का, जो आसपास के ये हॉटस्पॉट को कवर करे। ये कुछ और सिनेरियो हैं जिससे आप देख सकते हैं कि यहां पर 5 dBi का एंटीना लगा है जो इतने हीलियम हॉटस्पॉट को विटनेस कर रहा है।
तो एंटीना पे आपको रिसर्च करनी होगी, और जो भी आपके लोकेशन के हिसाब से ठीक एंटीना बैठेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अंत में गिफ्ट, अगर आप ये VGC5 के सेंसकैप के माइनर परचेज कर रहे हैं तो ये कूपन कोड आप उस पर डाल लीजिए, आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और भी कोई टेक्निकली प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी ये लोग तो सर्विस अच्छी देते ही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।